आज आपको हम एक नई चीज़ के बारे में बताते हैं, एक फेंगशुई आइटम जिसको हम सदियों से हिंदुस्तान में रहा है और आज लोग कहते हैं बाहर का, चाइना का, यहाँ का, वहाँ का। आ गए हो ये देखिए घोड़ा है, दरवाजे पे है, लगा हुआ है और हमारे साथ दुना दादा मौजूद हैं। दुना दादा, ये घोड़ा क्यों लगाया गया है, क्या वजह है इसकी? ये जो घोड़ा है इसे सूर्यपुत्र कहते हैं, सूर्यपुत्र जी। और सूर्यपुत्र जो सूर्य जो है उजाले का देवता है जी। और लोग मानता है, जनमानस में मानता है प्राचीन, कि जहाँ घोड़ा होता है वहाँ जो है नकारात्मक ऊर्जा नहीं जाती, जिसे हम प्रेत वादा इत्यादि कहते हैं। इसीलिए लोग दरवाजे में लकड़ी का घोड़ा बनवा के लगवाते थे दरवाजे में, कि मेरे घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके जी। ये प्रकाश का द्योतक है, अंधकार को दूर करने वाला, अस्तोमा सद्गम है, ज्योतिर्मा निर्गम है। जी जी जी। तो ये तो एक, अब समझिए आप, ये तो सूर्य भगवान को एक वो हो गया कि हम दरवाजे पे हैं। हाँ, आशीर्वाद मिल रहा है उनका, इसे सूर्यपुत्र कहा गया है। जी जी जी। हाँ, घोड़े को। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। आज हम चाइना और कहाँ कहाँ पीछे भागते हैं कि भाई ये फेंगशुई आइटम है, ये तो हमारे यहाँ सूर्य से रहा। एक हमारे देश की परंपरा बन गई जी कि हर चीज को ईसा से जोड़ते हैं जी। अरे हमने तो लखों वर्ष पहले चांद और सूर्य, तारे, नौ ग्रह को पता लगा लिया था जी जी। आज लोग कहते हैं भाई फलान हमने किया, हमने किया, ये कुछ नहीं, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हमने तो बहुत पहले बता दिया था जी। तो ये हमारी नेताओं ने ज्यादातर ये हमारे पर धारणा रख दी है कि हर चीज ईसा से जोड़ते हैं, चीन से भाई या कोई कहीं बाहर से जी, जबकि भारत में सदियों से है जी सब कुछ। ये आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया दादा, नमस्कार। और देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये घोड़ा दरवाजे पर ही लगा हुआ है और काफ़ी पुराना है देखिए ये, और आज भी ये अपनी जगह मौजूद है। और इस तरह का ये जय जय या